लेट्स सी द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5. लेट्स ट्राई वन फ्रॉम योर कोर्स बुक पेज नंबर 61. गिवन बिलो आर सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव लर्नड इन द लेसन इन स्क्रैम्बल्ड फॉर्म. अनस्क्रैम्बल ईच ऑफ द क्लू वर्ड्स एंड राइट दैम इन द बॉक्स. नीचे जो कुछ वर्ड्स दिए हैं ये अनस्क्रैम्बल्स दिए हैं, आपको इन्हें स्क्रैम्बल करके यहाँ पर लिखना है. फर्स्ट वर्ड इज स्टेबलाइज, देन रोडमैन, कवर, बैरो, परस्यूअर्स एंड सर्वेयर. नाउ लेट्स ट्राई टू रीड दिस सेंटेंसेस एंड राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट इच स्टेटमेंट. फर्स्ट इज हने सा सेवरल मैन कमिंग अप द स्लोप ऑफ द हिल. हने ने देखा कि स्लोप से हिल के ऊपर से स्लोप से बहुत सारे लोग नीचे आ रहे हैं. ट्रू, देयर वर सम बुशेज एंड ट्रीज वर ही कुड हाइड. वहां पर कुछ झाड़ियाँ और कुछ पेड़ थे जहाँ पर वह छिप सकता था. फॉल्स, इफ द सर्वेयर डिड नॉट सी द रोडमैन ही वुड लॉस हिज जॉब. अगर सर्वेक्षणकर्ता ने रोडमैन को वहाँ नहीं देखा तो वह अपनी जॉब खो सकता है. इट इज ट्रू, हने बोरोड द रोडमैन्स कोट, स्पेक्टिकल्स एंड पाइप. हने ने रोडमैन का कोट, स्पेक्टिकल्स और उसका पाइप लिया. फॉल्स, हने टाइड हिज ट्राउजर्स एट द वेस्ट विथ अ स्ट्रिंग. हने ने अपनी ट्राउजर को स्ट्रिंग के थ्रू कमर तक बांधा. फॉल्स, हने कॉम्ब्ड हिज हेयर केयरफुली टू लुक लाइक अ रोडमैन. हने ने अपने बालों को अच्छी तरह से कंघा किया ताकि वह रोडमैन की तरह दिख सके. फॉल्स, द जर्मन परस्यूअर्स आस्क्ड डिड यू सी एनीवन पास बाय इन अ कार. जर्मन परस्यूअर ने पूछा कि क्या तुमने यहाँ से किसी को कार से गुजरते हुए देखा है. फॉल्स, हने गॉट कॉट बाय द जर्मन्स. हने जर्मन्स के द्वारा पकड़ा गया. नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ द नेक्स्ट इज लेट्स ट्राई 3. इन दिस एक्सरसाइज वी हैव द क्वेश्चन आंसर्स. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द डेंजर हने फेस्ड एट द हिल टॉप. हिल टॉप के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर हने ने क्या खतरा महसूस किया, कौन से खतरे का सामना किया. Now the answer is the danger faced by Honey at the hilltop was that the German agents were advancing up the slope to capture him. There was no bush or tree to give him cover. Honey ने देखा कि hilltop पहाड़ी पर slope से होते हुए कुछ German agents नीचे की तरफ उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं और वहाँ पर छुपने के लिए कोई भी झाड़ी या कोई भी पेड़ नहीं था जहाँ वह छिप सके. Then question number 2 is what did Honey do to disguise himself the roadman. Honey ने अपने आप को roadman की तरह दिखने के लिए किस तरह से change किया. Honey borrowed the roadman's spectacles and hat. Honey ने roadman का चश्मा और उसकी hat ली. He rolled in the dust to stain his clothes and boots. उसने अपने कपड़े और जूते को गंदा करने के लिए मिट्टी में लुढ़क गया. He tied his trousers at the knee. उसने अपनी ट्राउजर को, अपनी पैंट को घुटनों तक बांधा. And dirtied his hair and face with mud and dust. और अपने चेहरे और बालों को मिट्टी और कीचड़ से गंदा किया. He also beat his nails to make them cracked and uneven. और साथ में उसने अपने नेल्स को टूटे हुए और अनशेप्ड करने के लिए उसे दांतों से काट दिया. Next is question number 3. Why was Honey relieved when the surveyor left? जब surveyor वहां से चला गया, सर्वेक्षणकर्ता वहां से चला गया, तब Honey ने relief क्यों feel किया? Honey was relieved because his disguise had worked. Honey ने relief feel किया क्योंकि उसका जो disguise था, यानी उसका जो बदला हुआ भेष था, वह काम कर गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड द जर्मन परस्यूअर कम बैक. जर्मन परस्यूअर वापस से क्यों आए. द जर्मन परस्यूअर्स कैम बैक टू नो इफ एनीवन हैड पास्ड बाय अ बाइसिकल और फुट. जर्मन परस्यूअर्स जो थे वे वहां पर ये देखने के लिए आए थे, ये जानने के लिए आए थे कि शायद कोई वहां से बाइसिकल या पैदल गुजरा हो.